ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है, यानी भारत का स्टॉक मार्केट प्रोग्रेसिंग वाले साइकिल के थक जाएंगे। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा लोगों को खरीदना चाहिए, बाय कर लेना 4 जून के पहले, वो सूट अप करेगा। और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया, इट विल बी अ सॉलिड बुल्स मार्केट। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है, 400 से पार भी एनडीए का आंकड़ा जा सकता है। द सेंसेक्स हिट एन ऑल टाइम हाई, निफ्टी हिट एन ऑल टाइम हाई, और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस आता है। द रियलिटी सो फार इज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट वाज कंपेयर्ड इन द प्रेडिक्शंस। इन जस्ट अ सिंगल सेशन इन्वेस्टर्स टुडे लॉस्ट अबाउट 30 लाख करोड़। और इसके बारे में हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। Why did PM and HM give specific investment advice to the 5 crore families investing in the stock market? Is it their job to give investment advice? Second, why both interviews were given to the same media house owned by the same business group, which is also under SEBI investigation for manipulating stock market? Third, what is the connection between the BJP, the fake exit pollsters and the dubious foreign investors? We are absolutely convinced that this is a criminal act. So we demand today a joint parliamentary committee.